हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। प्रोजेक्ट का नाम है डायनामिक्स दिबम। डायनामिक्स ग्रुप ये काफी बड़े डेवलपर हैं, काफी जगह काम किया है इन्होंने, अलग अलग जहां पे भी काम किया है कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड हैं, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट इनका बन रहा है दोस्तों मलाड ईस्ट में, डायनामिक्स दिबम करके है, एक अच्छा बहुत ही बढ़िया इनका एलिवेशन है। आज इसी डायनामिक्स दिबम के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किया है जैसे डायनामिक्स शास्त्रम, डायनामिक्स अवन्या दहिसर, डायनामिक्स पाकुड़, डायनामिक्स वुडलैंड्स, ऐसे काफी सारे अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने डेवलप किया है। मैंने चार पांच आपको इसलिए बताया है ताकि आपको रेफरेंस कहीं से भी मिल जाए। तो आइए पहले मैं दिखाता हूं किस टाइप का यहां पे बनने वाला है, एलिवेशन मॉडल कैसा है, फ्लैट कैसा है, किसका लोकेशन है, आसपास में लोकैलिटी कैसा है, ये सब मैं आपको दिखाता हूं लाइव किस टाइप का बना हुआ है। उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूंगा दोस्तों। इसका मेन रोड है और ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है बिल्डिंग का, और आसपास में माहौल एक ऐसा देखें, चारों तरफ रेसिडेंशियल माहौल है। पूरा एलिवेशन इसका अभी रेडी है और बिल्डिंग कुछ नियर बाय पोजीशन ही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, साल दो साल में पोजीशन दे देंगे आपको। ये इसका डायनामिक्स दिवम का मॉड्यूल है, कैसे बनने वाला है आप देख सकते हैं, करीबन 6 से 7 माले का। तो इसका पार्किंग है, पोडियम पार्किंग, इसके ऊपर एमिनिटीज दिया हुआ है सारा, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, ग्रीनरी गार्डन जब डेवलप किया है, ये सब कुछ इसका आपको ऊपर पोडियम पे आने वाला है। ये सेम जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको स्काई व्यू यानी कि ऊपर से बिल्डिंग का व्यू आने वाला है। अब एक्चुअल देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, क्या बना है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस लॉबी, फुली डेकोरेटेड रहेगा। अभी तो ये इनकम्प्लीट है, अभी तो बिल्डिंग बन ही रहा है, अभी आने वाले टाइम में इसमें रिसेप्शन काउंटर वगैरह, नेम प्लेट्स वगैरह आएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया खिल के आएगा। ये जो मैं लेके जा रहा हूँ ये पूरे यहाँ पे लिफ्ट का रहेगा, ये इसका पहला स्टेयरकेस है। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपको कि क्या यहाँ पे किस तरह से आने वाला है। अभी तो ये आधा अधूरा है तो इतना ब्यूटीफुल है, अभी जब ये बन के रेडी होगा तो आप प्रॉपर समझ पाएंगे। वैसे भी डायनामिक्स ने जहाँ जहाँ पे भी प्रोजेक्ट डेवलप किया है, बनाया है, आप देखेंगे तो कमाल का लेवियस, अच्छे आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ ये डेवलप करते हैं। अभी फ्लैट देखते हैं, ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है। इसका कारपेट एरिया एक बहुत बढ़िया कारपेट इन्होंने दिया हुआ है, वो अभी आप आगे जाएंगे तो समझ पाएंगे। ये इसका फर्स्ट उन्होंने किचन दिया है, फर्स्ट किचन का कंसेप्ट अभी बहुत चलन में चल रहा है कि जब फ्लैट के अंदर आप एंटर करते हैं लिविंग डाइनिंग के पहले ही आपको किचन दिया जाता है, ताकि अगर कोई मेड या कोई कामवाली है या फिर कोई कुक है, अगर आपने लगाया है उसको सैलरी पे रखा है तो वो अपना काम करें और यहीं से बाहर चले जाएं, उनको घर में एंटर करना नहीं है। ये हिसाब से ये कंसेप्ट बड़े बड़े बंगलो और रो हाउस में दिखाया जाता था, आप देखें तो पैलेस में दिखाया जाता था, लेकिन अभी ये कंसेप्ट ये लोग फ्लैट्स में भी देना शुरू कर दिए हैं ताकि एक अच्छा सेफ्टी मिल जाए, सभी लोगों को घर में एंटर करना अलाउ ना, स्टाफ या फिर कुक मेड सभी मेड्स को अलाउ ना हो, जिनको सफाई करनी उनकी बात अलग है। ये पूरा इसका 2 BHK का लिविंग डाइनिंग एरिया है। व्यू आप देखें तो काफी बढ़िया, जब हायर फ्लोर पे आप घर लेते हैं तो आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है। डाइनिंग टेबल एरिया और टीवी यूनिट एरिया ये सब सेपरेट किया हुआ है, कुछ क्रॉकरीज के लिए काउंटर्स भी बनाए हैं। जब आप लिविंग डाइनिंग सेंटर करते हैं तो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको आता है वो कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जिसमें टॉयलेट एरिया बाथ एरिया तीनों को डिवाइड किया हुआ है।
उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे पहला बेडरूम मिलता है। पहला बेडरूम जिसका आप देख सकते हैं क्या स्पेस है वो आप समझ सकते हैं। पहला जो आपको बेडरूम मिल रहा है वो मास्टर बेडरूम। ये मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ जो बिल्डर ने बनाया है, डेमो फ्लैट बनाया है। फ्लैट तो बिल्डिंग के अंदर ही है लेकिन आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि सामान रखने के बाद भी, यानी बेड वार्डरोब रखने के बाद भी आपको कितना स्पेस मिलता है यूज करने के लिए। जनरली जब खाली फ्लैट्स होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीजें कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा। इसमें आपको प्रॉपर एक समझ में आता है कि कितना स्पेस हमको मिलने वाला है बेड और वार्डरोब रखने के बाद, कितना यूज के लिए मिलने वाला है। तो ये एक चीज आपको क्लियर हो जाता है जब आप सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। तो एक्चुअल फ्लैट अभी बना नहीं है, रेडी नहीं हुआ है, नहीं तो मैं एक्चुअल फ्लैट भी आपको दिखा देता, आप फ्लैट देख लें। इसके बाद मैं अभी बात करूंगा ये कहाँ पे स्थित है। ये अभी मैं दूसरा बेडरूम इसका दिखाता हूँ, दूसरा बेडरूम भी आप देख लें। इसमें एक आपने प्लस पॉइंट देखा है दोस्तों कि यहाँ पे ना दोनों मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, बिल्कुल एक लग्जरियस तरीके से उन्होंने बनाया है। एक कॉमन वॉशरूम जो हॉल से अटैच्ड है वो तो है ही, साथ ही साथ दो बेडरूम है और दोनों के दोनों मास्टर बेडरूम है, दोनों के दोनों अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड बेडरूम है। इसमें बहुत रेयर ये कंसेप्ट देखने को मिलता है कि दोनों मास्टर बेडरूम हो। देखें तो ये जो बड़ा बेडरूम है ये उससे भी ज्यादा स्पेसियस है। यहाँ पे 6x6 का अगर आप बेड रख देते हैं, 6x6 फुट का, 6x6 का, तो भी एक अच्छा बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है, एक फ्रीडम मिल जाता है पूरे बेडरूम में मूव करने के लिए। ज्यादातर जो बड़े बिल्डर्स हैं आजकल जो भी देश हैं, जैसे कल्पतरु है, लोधा है, बाधवा, रहेजा, जो लग्जरियस सेगमेंट में काम करते हैं वो हर एक बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम दे देते हैं। सेम फीलिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है, इसमें वार्डरोब भी रखा हुआ है, बेड भी रखा हुआ है, इसके बावजूद भी एक बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है यूज करने के लिए। ये हम फिर से लिविंग डाइनिंग में रिटर्न आ चुके हैं और यहाँ से फिर बाहर की ओर चलते हैं। ये आपको मैं फ्लैट दिखा दिया, वो यहाँ पे समझ आ रहा है। अगर कारपेट एरिया वगैरह तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और भी कुछ आप जानना चाहें तो ऊपर कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं, डिटेल जानने के लिए भी हमें आप फोन करें, और अगर आप परचेस भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें फोन करें। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं तो आपको कोई चार्जेस इसमें देना नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्डर के पेरोल पे हम लोग काम करते हैं। कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट पूरा बिल्डर के पेरोल पे काम करती है, तो यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना रहेगा, आपको सिर्फ हम सर्विस देंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल की ओर से जितने भी बुकिंग्स होते हैं उसमें हमारा गिफ्ट वाउचर भी होता है हर एक प्रोजेक्ट में। आइए अब मैं डिटेल बताता हूँ। अभी जो आपने फ्लैट देखा है ये डायनामिक्स दिवम का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं, प्रोजेक्ट का क्या डिटेल। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो तो आप ऑलरेडी एलिवेशन देख के समझ गए होंगे। फ्री होल्ड लैंड है इसका और 45 स्टोरी टावर है, 45 माले की बिल्डिंग है, एक ही विंग की पूरी सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। इसमें ग्राउंड लेवल से लेके 6th लेवल तक इसका पोडियम पार्किंग है। 7th लेवल पे इसका सारी एमिनिटीज है, वो तो आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको बताया था मॉड्यूल में कि स्विमिंग पूल, गार्डन वगैरह सब इन्होंने 7th माले पे बनाया है। और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है 8th माले से। रेरा नंबर इसका है P51800018784। तो ये महारेरा नंबर का आपको मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि इसका अपने आप में एक वैल्यू है। हर एक डेवलपर को अगर प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उनको मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पब्लिक को देना है, तो उनको रेरा के वेबसाइट पे अपलोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो
प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये समझ लें कि वो लीगल नहीं है, तो आप उसमें कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसा नहीं लगाएं उसमें। तो इसीलिए मैंने आपको रेरा नंबर बताया कि रेरा के वेबसाइट पे जाकर जरूर एक बार देखें कि उसका डिटेल क्या पुट किया है बिल्डर ने, वहां पे कितना एलिवेशन है और कितने मालिक का पासिंग हुआ है, कितना इसका फ्लैट का कार्पेट एरिया है, कहां लोकेटेड है, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर सब आपको वहां पे मिल जाता है। तो रेरा नंबर का ये वैल्यू है अपने आप में। व्यू इसका आरए कॉलोनी का व्यू आता है, फ्लैट्स और सिटी व्यू का भी फ्लैट्स आते हैं, दोनों साइड के इसके व्यू आते हैं। कॉस्मो लोकेलिटी है, ज्यादातर तो हिंदू लोकेलिटी ही है, थोड़ा बहुत कॉस्मो लोकेलिटी है इसमें। पूरे बिल्डिंग का सीसी रिसीव्ड हो चुका है, सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है जो पूरे बिल्डिंग का आया हुआ है, तो आप ये समझ लें कि पूरा बिल्डिंग एक बार में बनने वाला है। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, LIC, किसी भी बैंक से लोन लेना चाहें तो इजिली आपको लोन मिल जाएगा। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसमें एक ही टाइप का फ्लैट है 2BHK। 2BHK में थोड़ा बड़ा छोटा दो टाइप का फ्लैट है, और जोड़ी अगर आप लग्जरियस में जोड़ी बनाना चाहते हैं तो जोड़ी भी आप बना सकते हैं। अगर आप बड़ी फैमिली ज्वाइंट फैमिली में साथ में रहते हैं मिलजुल कर, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात क्या है ना, दोनों मास्टर बेडरूम है, वो तो आपने एक्चुअल फ्लैट देख ही लिया है। कार्पेट एरिया पहला जो 2BHK है उसका 757 है, यानी 757, 3 स्क्वायर फुट कम, 760 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। 760 स्क्वायर फुट कार्पेट, दोस्तों आप ये समझ लें कि काफी बड़ा एक लग्जरियस सेक्टर में आ जाता है ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर एक आपको साइज मिलता है काम करने के लिए। इसका फ्लैट कॉस्ट 1.72-1.90 crore के बीच में है, 1.70 crore से 1.90 crore के बीच में है। दूसरा जो 2BHK है 789 स्क्वायर फुट का, यानी 789 स्क्वायर फुट का है, उसका फ्लैट कॉस्ट आप देखें तो 182 crore के बीच में आता है। और ये मैं टेंटेटिवली प्राइस क्यों बता रहा हूं, ये अनुमानित प्राइस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फाइनल प्राइस में काफी सारे डेवलपर का पहले दे दिया करता था YouTube पे ऑनलाइन, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि काफी सारे आर्ग्यूमेंट हो गया कि आप फाइनल प्राइस ना दें। इसके लिए मैं हर एक वीडियो में बोलना पड़ता है कि मैं फाइनल प्राइस आपको दे नहीं सकता हूं। आपको अगर फाइनल प्राइस जानना है ना तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसमें हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि यहां का फाइनल प्राइस क्या आने वाला है, और कुछ डिटेल भी जानना हो तो भी हम बता देंगे। खरीदने के लिए भी आप मुझे फोन करें, आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना है, हम लोग पूरे सेल्स डिपार्टमेंट बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं। और हमारे चैनल की ओर से हम लोग बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसमें जो हमें डिस्काउंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसका कुछ पार्ट हम कस्टमर के साथ एज ए गिफ्ट वाउचर शेयर करते हैं, जिसमें कि 2BHK के ऊपर जो हम सेल कर रहे हैं उसमें 80,000 का गिफ्ट वाउचर हमारी ओर से रहेगा। अब ये जो गिफ्ट वाउचर है, जब से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आज के बाद 2 साल तक ये अवेलेबल है। अभी आगे मैं एमिनिटीज की बात करूं, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, मेडिटेशन पेवेलियन, जॉगिंग ट्रैक, योगा स्टूडियो, लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, मिनी थिएटर, जिमनासियम, मल्टीपर्पज कोर्ट, ये सब इसके मेन मैंने आपको बताया है। वैसे तो काफी सारे एमिनिटीज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।